नमस्कार भक्तों, देवघर से बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कांवड़ यात्रा 2021 को लेकर श्रावण मास देवघर पर है भक्तों की नज़र। मन में है सवाल, क्या इस साल कांवड़ यात्रा और श्रावणी मेले की मिलेगी अनुमति? जी हाँ दोस्तों, इस विषय में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे, इसमें आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप सबके भक्त हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और आपको देते हैं पूरी जानकारी। श्रावण मास 25 जुलाई से शुरू हो रहा है, ऐसे में भोलेनाथ के भक्त कयास लगा रहे हैं कि इस साल उन्हें भगवान के दर्शन नसीब होंगे या नहीं। हालांकि झारखंड के देवघर में श्रावण मास को लेकर फिलहाल कोई तैयारी नहीं की जा रही है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के कारण यहाँ कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होगा। पूर्वी भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माने जाने वाले श्रावणी मेले और कांवड़ यात्रा पर इस साल भी कोविड-19 के चलते काले बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के चलते सरकार की ओर से किसी भी तरह के बड़े धार्मिक आयोजन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में 25 जुलाई से शुरू हो रहे सावन के अवसर पर श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर देवघर जिला प्रशासन की ओर से कोई भी हलचल नहीं की जा रही है। इसी बात से समझा जा सकता है कि राज्य सरकार देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवड़ मेला और भक्तों का जमावड़ा होने देने के पक्ष में नहीं है। हालांकि प्रदेश सरकार की ओर से फिलहाल इस बड़े आयोजन को लेकर कोई आदेश नहीं आया है। ऐसे में सभी की निगाहें सरकार के बयान पर टिकी हुई है, जहां यूपी में कांवड़ यात्रा को दोबारा से कैंसिल कर दिया है। योगी सरकार ने पहले 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू करने की अनुमति दे दी थी। तो साथ ही साथ आपको बताते चले, मंदिर में अंग तुंगों का प्रवेश वर्जित। उल्लेखनीय है कि सावन में देश के हर कोने से लाखों की संख्या में भक्त भगवान बैद्यनाथ के मंदिर उनके दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी शायद भक्तों के हाथ निराशा ही लगे। दरअसल झारखंड सरकार ने 30 जून को कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 8वीं बार अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। इसके तहत सभी धार्मिक स्थलों, पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति है, लेकिन अंग तुंगों का प्रवेश वर्जित अभी भी है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस साल कांवड़ यात्रा होनी चाहिए थी या नहीं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब भक्तों, अगर आप शिव के भक्त हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहें। तो अब आपसे लेते हैं विदा, टेक केयर एंड गुड बाय।